हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज चैप्टर नंबर 20, दैट इज पादप क्रिया विज्ञान, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि किसी भी पादप कोशिका में जो भी जैविक उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मानव शरीर की बात करूँ तो मानव शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएँ चलती हैं, जैसे भोजन का पाचन है, भोजन का श्वसन है, हॉर्मोन्स है, उसके शरीर की वृद्धि है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम लोग बोलते हैं जैविक क्रियाएं। तो पौधों के अंदर भी बिल्कुल ऐसी ही कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं, और इन पौधों की जैविक क्रियाओं के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पादप क्रिया विज्ञान या प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि पौधों में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो होती हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पादप क्रिया विज्ञान में, दैट इज खनिज एवं जल का अवशोषण। खनिज एवं जल का अवशोषण मतलब किसी भी पौधे को अगर अपना जीवन यापन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मृदा से, उसको मिट्टी में से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इसकी जैविक क्रिया है, ये हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। ऐसे ही खनिज एवं जल का अवशोषण हो गया। ऐसे हम लोग देखें प्रकाश संश्लेषण और देखें जैसे पौधों में श्वसन, ये हमको देखना है पौधों में श्वसन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मतलब जड़ों के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है वो भाप के फॉर्म में, वो वाष्प की फॉर्म में पेड़ पौधे अपनी जो पत्तियां हैं उनके थ्रू वातावरण में निकाल देते हैं, तो ये वाष्पोत्सर्जन। ऐसे ही पौधों की वृद्धि और वृद्धि को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो एक पौधे के अंदर होती हैं। और देखिए, और जैसे पेड़ पौधों के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट है, जो भी परिवहन है, जैसे खनिज लवणों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाना, जो पत्तियों ने भोजन बनाया है उसका पत्तियों से शरीर पौधों के अलग अलग भागों में पहुँचना, तो ये सब हम लोग यहाँ परिवहन में डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि पेड़ पौधों के अंदर हमारे ऐसा कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे एक कोशिका से दूसरे कोशिका में उस मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, दैट इज खनिज। ठीक है, हम लोग खनिज के बारे में पढ़ते हैं। खनिज को बोलते हैं मिनरल। और मिनरल कैसे होते हैं भाई, मिनरल होते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक। अभी इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। देखिए, कोई भी पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित है उसको बोलते हैं कार्बनिक, और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है उसको बोलते हैं अकार्बनिक। जैसे आप लोग जल का फॉर्मूला जानते हैं, वाटर का फॉर्मूला जानते हैं, H2O, इसमें कार्बन नहीं है कहीं भी, इसका मतलब वाटर कैसा है, वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, कि पेड़ पौधे मिनरल्स को हमेशा मिट्टी में से ही अवशोषित करेंगे, जहां उनकी जड़ें हैं मिट्टी में से अवशोषित करते हैं। भाई मिट्टी में पाए जाते हैं ये, तभी तो अवशोषित करेंगे। मान लीजिए किसी विशेष स्थान की मिट्टी में कोई विशेष खनिज नहीं पाया जा रहा है, तो वहाँ के पौधे में कुछ ना कुछ बीमारी पाई जाएगी, या तो उसमें कुछ कमी होगी। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे शरीर में हम लोग खाना खाते हैं बाहर से, अगर खाने के किसी अवयव की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। सेम पेड़ पौधों के साथ में है, पेड़ पौधों को अगर कोई एक पर्टिकुलर मिनरल नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधों में भी कोई ना कोई रोग हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि ये जो खनिज हैं ये अकार्बनिक हैं, और पेड़ पौधे इनको मिट्टी में से अवशोषित करते हैं। मतलब क्या है कि एक्सटर्नली बाह्य रूप से पेड़ पौधों को ये चाहिए ही। ठीक है, अब देखिए इन आवश्यकता अनुसार, पेड़ पौधों की जो है वो आवश्यकता है खनिज लवणों की, तो आवश्यकताओं के आधार पर हम लोगों ने आवश्यकताओं के अनुसार खनिज लवणों को मुख्यतः तीन भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, पहला है मेजर मिनरल्स, मेजर
या हम इसको बोल सकते हैं मुख्य या प्राथमिक, प्राथमिक खनिज लवण। नाम से ही पता चल रहा है, प्राथमिक या मेजर का मतलब हो गया कि जो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि मिनरल्स क्या है भाई। मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इनऑर्गेनिक जैसे मान लीजिए जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है, ये सब के सब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, इनऑर्गेनिक यहाँ पर मिनरल्स है, ठीक है। तो देखिए हम लोग आवश्यकताओं के अनुसार खनिज लवणों को तीन भागों में बांट लेते हैं। मेजर या मुख्य जो वो है जो अधिक मात्रा में चाहिए, जो अधिक मात्रा में चाहिए, ठीक। दूसरे आते हैं द्वितीयक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक। इनकी मात्रा कुछ कम चाहिए, ये हमको प्राथमिक से कम चाहिए, कम मात्रा में, ठीक है। और तीसरे आते हैं माइनर। माइनर तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, जिनको हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये चाहिए बहुत कम मात्रा में। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, हमारे पौधों के लिए जो आवश्यक मिनरल्स हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है, 17 है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पेड़ पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्वों की संख्या कितनी है, 17 है। अब इनको हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है, तो वो कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। तो देखिए मुख्य या प्राथमिक खनिज लवण जो है उनको समझिए, ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। कितने हैं टोटल, ये टोटल 6 हैं, याद रखना 6। फिर आते हैं हम लोग द्वितीयक पर, इसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये कितने हैं संख्या में, 3 हैं। अब आते हैं माइनर पर, माइनर पर आ गए मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है। फिर ZN, मॉलिब्डेनम, बोरोन एंड क्लोरीन। तो देखिए ये टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप लोग देख सकते हैं 6 + 3 + 8 कितने हो गए टोटल, 17। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया हमको, पेड़ पौधों के लिए अनिवार्य या आवश्यक खनिज लवणों की संख्या कितनी है, 17 है, ठीक है जी। अब चीज़ समझिए, हमको कैसे पता चलता है कि किसी खनिज लवण से कौन सा रोग हो रहा है, या इस रोग के लिए पर्टिकुलर एक खनिज लवण ही उत्तरदायी है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। एक है सॉइल लेस कल्चर, सॉइल लेस कल्चर, इसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अब इसको समझ लेना अभी थोड़ी देर में, हाइड्रोपोनिक्स क्या है उसको समझिए, कि हमने क्या किया, हमने एक गमला लिया और किसी पेड़ पौधे के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, मतलब इसमें कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इस गमले में एक सॉल्यूशन लिया है, एक पानी का विलयन लिया है, और उसमें सारे खनिज लवण और पोषक तत्व तो मैंने मिला दिए हैं, सारे खनिज लवण और पोषक, इसमें मिट्टी नहीं ली हम लोगों ने मिट्टी नहीं ली है, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो मिला दी हैं, और केवल एक खनिज लवण की कमी कर दी है। मान लीजिए मैंने इसमें जिंक की कमी कर दी है और बाकी की सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है। तो हमको ये यहाँ ये पेड़ पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी आ रही होगी, जैसे इसकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो रही होगी, इसकी पत्तियों में वाइट वाइट स्पॉट आ रहे होंगे, तो उसका सीधा सा मतलब है कि इसमें जिंक की कमी है। और अगर हम इसमें ऊपर से जिंक और डाल दें और इसका ये रोग दूर हो जाए, तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि जिंक की कमी से ये रोग हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि भाई सॉइल लेस कल्चर को क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पानी में जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं और खनिज लवण हैं वो सब डाल दीजिए, हमको मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। तो सॉइल लेस कल्चर का नाम क्या है, हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है। तो देखिए ये था सब कुछ खनिज लवण के बारे में। अब देखिए आप लोग, हम लोग चलते हैं अब जल के अवशोषण के बारे में, हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। हम लोग पादप क्रिया विज्ञान में, प्लांट फिजियोलॉजी में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं, दैट इज जल का अवशोषण। इसको समझिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब पहले तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, हम लोग ऐसी सिंबॉलिक फॉर्म बना देते हैं, ये एक ट्री है, ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी जड़ें हैं।
तो किसी भी पौधे की जो जड़ें हैं वो जड़ें करती हैं जल का अवशोषण। किसी पेड़ पौधे के लिए जो जो जल जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है वही नीचे से ऊपर तक पहुंचता है। अब मैं थोड़ी देर में बता देता हूं जल का अवशोषण। देखिए यहां जड़ों के द्वारा जो पानी का एब्जॉर्प्शन होगा वही पहुंचता है पत्तियों तक और फिर वही पत्तियों से वाष्पोत्सर्जित होकर दोबारा से पहुंच जाता है वातावरण में। इसका एक मैं सीक्वेंस भी बताऊंगा आप लोगों को। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो निकल रहा है उसको समझिए कि मृदा के कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो मृदा के कंपोजिशन में लगभग 25% होता है जल। 25% क्या होता है? पानी। चलिए जैसे मान लीजिए कहीं पर वर्षा हुई, कहीं पर बारिश हुई, तो जो बारिश हुई है उस बारिश का बहुत सारा पानी तो ऐसे ही बह जाता है, बिल्कुल ऐसे ही बह जाएगा, जो किसी काम का नहीं होगा। कुछ पानी ऐसा होता है जो मिट्टी में पूरा अवशोषित होकर और वो चला जाता है नीचे ग्राउंड वाटर में। कहाँ? एकदम भौमिक जल स्तर में, ग्राउंड वाटर टेबल जिसको बोलते हैं, और इसको मैं लिख दूंगा भौम जल स्तर। ठीक है, अब देखिए हमारी पेड़ पौधों की जड़ों को कौन सा जल मिलता है उसको समझिए। देखो हमारी ये जो मिट्टी है, मिट्टी में से छन छन कर ये पानी पहुंचता है नीचे, और जो पानी नीचे पहुंच गया है वहां तक ये जड़ें पहुंच नहीं पाती है। इसका मतलब जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको हमारी पेड़ पौधों की जड़ें अवशोषित नहीं करती हैं। तो हमारी मृदा जो हमारी जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो कौन सा पानी लेती हैं उसको समझिए कि जब ये पानी ऊपर से नीचे रिस रिस कर आ रहा है तो थोड़ा बहुत पानी जो मिट्टी के कण हैं उनके बीच में फंसा रह जाता है, उनके बीच में ऐसे फंसा रह जाता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। उसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पर, दे है कैपिलरी वाटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं, यहां लिख देता हूं केसिकीय जल। ठीक है, तो हमारे पेड़ पौधों की जड़ें मृदा में उपस्थित किस जल का अवशोषण करती हैं? कैपिलरी वाटर का, या जिसको बोलते हैं केसिकीय जल का अवशोषण करती हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अच्छा, अब देखिए हमारी जो जड़ें हैं, जड़ों पर छोटे छोटे ऐसे बाल पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं मूल रोम। इनको बोलते हैं मूल रोम, रूट हेयर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारे ये जो रूट हेयर्स हैं ये करते हैं पानी का अवशोषण। रूट हेयर से फिर जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक जड़ है, ऐसे करके ये एक जड़ है, ठीक, और यहाँ पे ये है रूट हेयर्स मूल रोम। तो यहाँ से पानी अवशोषित होगा। अब पानी जब अवशोषित होगा उसमें कुछ प्रक्रिया लगेगी, उसको बोलते हैं परासरण या ऑस्मोसिस। हम लोग समझेंगे इस प्रोसेस को भी अलग से, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के द्वारा जो रूट हेयर्स हैं वो पानी को अवशोषित कर लेंगे। पानी को अवशोषित करेंगे फिर ये जो रूट है, मेन जो रूट है उसमें कुछ प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं कॉर्टेक्स सेल या कॉर्टेक्स कोशिका। फिर आ जाएगा हमारा पेरिसाइकिल, फिर जाइलम, फिर जाइलम के बाद पत्तियों तक पहुंचेगा। ठीक है, पत्तियों में स्टोमेटा से क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन, और ये दोबारा से कहाँ पहुंच जाएगा? ये दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस है कि पानी जो है एटमॉस्फेयर, यहाँ रूट से एब्जॉर्ब हुआ कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, जाइलम में, पत्तियों से स्टोमेटा में, स्टोमेटा से ट्रांसपाइरेशन हुआ और फिर पहुंच गया सीधे वायुमंडल में, मतलब एटमॉस्फेयर में। अब मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पादप कोशिकाओं में परासरणीय संबंध, परासरणीय संबंध, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप बिटवीन दी सेल। जो देखो हमारी प्लांट सेल्स में, प्लांट्स के अंदर कोई भी एक अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। जैसे हमारे अंदर ब्लड जो है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है,
उस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन और जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा कोई अलग से सेपरेट सिस्टम नहीं है। तो प्लांट के अंदर क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इन मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। कौन कौन सी मैकेनिज्म यूज़ होती हैं उसको समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, दैट इज़ विसरण। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, विसरण को बोलते हैं डिफ्यूज़न। देखिए, बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको इसको क्लियर करूँगा। डिफ्यूज़न या विसरण का सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज़ हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट की ओर जाती है, मतलब अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाती है। ऐसे समझिए कि हम लोग अपने घर में अगरबत्ती लगाते हैं, तो अगरबत्ती के पास जो सेंट मटेरियल है, जो खुशबू पैदा करने वाले पार्टिकल हैं, वो ज़्यादा हैं और हवा में कम हैं। तो अगरबत्ती से वो हवा की ओर जाते हैं, तो अधिक से कहाँ जा रहे हैं, कम की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मेरे पास एक 5000 लीटर की पानी की टंकी है और एक 1000 लीटर की पानी की टंकी, हम इन दोनों को जोड़ दें, तो पानी 5000 लीटर की टंकी से कहाँ जाएगा, 1000 लीटर की टंकी के पास जाएगा। हमेशा कोई भी चीज़ हायर अमाउंट से अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाती है। ऐसी अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताऊँ मैं आपको, कि जैसे पुराने समय में कुओं से पानी खींचते थे, तो कुएं का पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते थे, सूक्ष्म जीव जो रोगाणु जो रोग फैलाते थे, तो उसको ट्रीट करने के लिए उसमें लाल दवा डाली जाती थी। लाल दवा का मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट। तो जैसे ही वो पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, तो थोड़ी ही देर में वो जो कुएं का जो पानी था उस समय फैल जाती थी। तो हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला है उसकी मात्रा ज़्यादा है, पानी में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अधिक मात्रा से कहाँ जाएगा, कम मात्रा की ओर जाएगा। तो डिफ्यूज़न का सीधा सा मतलब याद रखिए कि ये है मेरे पास अधिक मात्रा, ये ज़्यादा है, तो ये हमेशा अधिक मात्रा से कहाँ जाएगा, ये हमेशा अधिक मात्रा से कम की ओर जाएगा, अधिक से कम की ओर जाएगा। इसी को बोलते हैं विसरण या डिफ्यूज़न। अब इसका पेड़ पौधों में इसका क्या रोल है उसको समझिए। देखो, हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर पत्तियां और पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं स्टोमेटा। आप लोग जानते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र, स्टोमेटा। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो करता है प्रकाश संश्लेषण। और पत्तियों के अंदर ऑक्सीजन गैस की अमाउंट ज़्यादा है और बाहर वायुमंडल में कम है, तो अधिक मात्रा से कहाँ जाएगा, अधिक मात्रा से कहाँ जाएगी ऑक्सीजन, कम मात्रा की ओर। ऐसे ही वायुमंडल में CO2 ज़्यादा है और पत्तियों के अंदर कम है, तो ये अधिक मात्रा से कहाँ जाएगी, कम मात्रा की ओर जाएगी। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो सॉयल है, जो मिट्टी है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, वाटर लॉक कंडीशन हो गई है, मतलब जो पेड़ है कि पेड़ पौधे की जड़ें हैं वो 24 घंटे पानी में डूबी हुई हैं, तो क्या होगा, तो पानी बाहर ज़्यादा है, पेड़ पौधों के अंदर कम है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब पानी स्वतः ही खुद ही अपने आप मिट्टी से पेड़ पौधों की जड़ों की ओर जाना शुरू कर देगा और पेड़ पौधों को उसे अवशोषित करना ही पड़ेगा। तो देखिए, एक तो ये समझ में आया मेरे कि ऑक्सीजन गैस का या कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफर हो रहा है वायुमंडल में, वो इस विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। और पानी का जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वो जो है वो विसरण के द्वारा हो रहा है। चलिए, अब एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझिए, दैट इज परासरण। परासरण इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है उसको समझिए। देखिए, यहां पर भी हायर अमाउंट से अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाएगी कोई भी चीज। अब ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि हम लोगों ने घर में चाय बनाई और हम लोग उसको कप में करते हैं, लेकिन कप में करने से पहले हम लोग उसके बीच में एक फिल्टर लगा देते हैं, हम लोग छलनी लगा देते हैं और हम लोग चाय को छानते हैं। तो इस छलनी का क्या काम है, ये चाय की पत्ती को रोक लेती है और जो लिक्विड वाला पार्ट है केवल उसको जाने देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं परासरण। अब एक चीज़ समझिए कि परासरण जो है वो एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है। ये भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है जिसमें क्या होता है, जिसमें केवल जो द्रव के मॉलिक्यूल हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, द्रव के अणु हैं, केवल वो ट्रांसफ़र होते हैं किसके थ्रू, जो हमने वहाँ पर एक पारगम्य झिल्ली हमने लगाई है।
पारगम्य झिल्ली को बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए अब इसको एक एग्जांपल से और समझिए। जैसे ये मेरे पास एक पेड़ है इस तरह से, ठीक है, और ये इसकी हैं जड़ें, ये इसकी जड़ें हैं, और जड़ें में ये है मूल रोम जिसको बोलते हैं रूट हेयर्स। अब रूट हेयर जो हैं वो कोशिकाएं हैं बेसिकली। अब इन कोशिकाओं के द्वारा होगा जल का अवशोषण, लेकिन बाहर जो जल प्रेजेंट है उसमें कुछ खनिज लवण भी तो होंगे, उसमें खनिज लवण होंगे, लेकिन ये जो मूल रोम है ये केवल पानी के मॉलिक्यूल को ही अवशोषित करेंगे, खनिज लवण को अवशोषित नहीं करेंगे। इसी को बोलते हैं परासरण। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि परासरण में जो द्रव है वो कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाता। अब इसको समझिए, सांद्रता को बोलते हैं कंसंट्रेशन, यहां पर कंसंट्रेशन ऐसे समझिए, बाहर जो पानी है उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स तो शामिल होंगे, और पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर, भाई हम लोग जानते हैं एक कोशिका के अंदर बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, बहुत सारे मटेरियल इसमें पाया जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा। कोशिका के अंदर जो मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो कम कंसंट्रेशन से पानी कहाँ जा रहा है, अधिक कंसंट्रेशन की ओर। बीच में क्या लगी हुई है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कोशिका की झिल्ली है उसी को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसको बोलते हैं परासरण। तो परासरण का क्या फर्क होता है, क्या यूज है, परासरण के द्वारा ही जो रूट्स हैं, रूट्स वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को अवशोषित करती हैं, कौन, रूट्स करती हैं, किसके द्वारा, परासरण के द्वारा। पेड़ पौधे जो जल का अवशोषण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, परासरण के द्वारा करते हैं। और पेड़ पौधों की जो कोशिका है, कोशिका, ये कोशिका फूली हुई है, इस कोशिका फूली हुई को बोलते हैं टर्जिट, कुछ इंग्लिश के टर्म आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, टर्जिट। तो ये टर्जिट किसकी वजह से हुई है, ये परासरण की वजह से हुई है। अब देखिए परासरण का एक बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको समझिए। देखो आपने देखा होगा कि अगर आप किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो वो किशमिश फूल जाती है। अब उसकी चीज़ समझिए, उसकी मैकेनिज्म समझिए। हम लोग यहाँ पर परासरण को ही डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में। परासरण समझिए इसको, परासरण को क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस। चलिए जैसे मान लीजिए मैंने पानी लिया सिंपल, ठीक है, और इस पानी में मैंने किशमिश डाल दी, किशमिश तो आप लोग जानते ही हैं, किशमिश, ठीक है, और हम लोग रात भर इसको रखें, सुबह देखेंगे तो ये किशमिश हमको फूली हुई मिलती है। अब ये फूली हुई क्यों मिली, क्योंकि ये जो किशमिश की जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन कैसी है, ये सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ये केवल द्रव के, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनको जाने देगी, जो सॉल्यूट, जो ठोस पदार्थ है उसको जाने नहीं देगी। तो बाहर से पानी कहाँ चला गया, किशमिश के अंदर, तो किशमिश के अंदर जब पानी जाएगा तो वो क्या करेगी, वो फूल जाएगी। इसको बोलते हैं अंतः परासरण, मतलब परासरण कहाँ हुआ है, अंदर की ओर हुआ है, मतलब एंडोस्मोसिस, सिंपल सी बात, अंतः परासरण में कोई भी कोशिका फूल जाती है। अब एक चीज़ समझिए, आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा या आप लोगों ने एक घटना देखी होगी कि कभी कभी जैसे जो भैंस या गाय होते हैं उनसे जोंक चिपक जाती है, तो उस जोंक को हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो वहाँ पे नमक डाल देते हैं या बूरा डाल देते हैं, तो वो जोंक उसको छोड़ देती है। उसका कारण क्या है, उसको समझिए कि जोंक जो है भाई वो भी एक, उसमें भी कोशिकाएँ हैं, बाहर हमने नमक डाल दिया, तो नमक डालने से क्या होगा कि बाहर जो मैंने नमक डाला है उसकी सांद्रता अधिक है, जो जोंक की कोशिकाएं हैं उसके अंदर सांद्रता कम है, तो वहां से पानी, जोंक के अंदर की कोशिकाएं जो हैं वो पानी को बाहर की ओर फेंकेंगी, तो जोंक क्या हो जाएगा, जोंक पिचक जाएगा, मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। तो देखिए अगर मेरे पास कोई जोंक है और वो किसी गाय भैंस से चिपक गई है, तो बाहर जो है नमक डाल दीजिए, तो नमक डालने से क्या होगा कि जोंक की कोशिकाओं का जो पानी होगा वो सबकी सब बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं
परासरण, एक्जो ऑस्मोसिस, एक्जो ऑस्मोसिस। अच्छा ऐसे ही एक और एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे घरों में अचार वगैरह डालते हैं हम लोग, तो अचार वगैरह में नमक ज़्यादा डाल दिया जाता है, तो उस नमक से क्या होता है कि उस आम की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर जितना भी पानी है वो सब की सब बाहर निकल जाता है, और फिर वो लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं उसको। तो देखिए ये था परासरण के दो प्रकार थे, एंडो ऑस्मोसिस और एक्जो ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा यहीं पर कुछ और टर्म भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कुछ और टर्म यूज़ किए जाते हैं उसको समझिए, जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको समझिए, मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, दो विलयन है, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर से आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, मैं अभी बस इतनी बात करता हूँ कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। सिंपल सी बात ये याद रखिए, जैसे यहाँ पे मैं समझाऊँ कि ये जो किशमिश हमने यहाँ पानी में डाली है, पानी के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, पानी के अंदर कंसंट्रेशन है कम, तो ये हाइपोटोनिक, और किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझिए, हमारे ब्लड में जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसी की सांद्रता और बाहर जो ब्लड है उसकी सांद्रता बराबर है, इसीलिए ना तो आरबीसी सिकुड़ती हैं ना ही आरबीसी फूलती हैं, इस चीज़ को याद रखना, दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर है। तो ये था हमारे पास पादप कोशिकाओं में परासरणीय संबंध, पहला विसरण, दूसरा परासरण। परासरण के दो टाइप थे, एक और छोटा सा टाइप आता है इसमें, दैट इज हम लोग पादप कोशिकाओं की बात करें, विसरण, ऑस्मोसिस, और तीसरा है इंपॉर्टेंट इम्बाइबिशन। इसको समझिए, इम्बाइबिशन हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः शोषण। देखिए इस पे क्वेश्चन तो नहीं बनने वाले हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के मूड का कुछ पता नहीं है कि एक ऐसा टॉपिक जो लेस इंपॉर्टेंट है और वहाँ से बहुत हल्का सा क्वेश्चन बन गया और आपने उसको नहीं पढ़ा था इसीलिए आप लोग गलत कर आए, तो इससे बेटर है कि सारे टॉपिक आप लोग डिस्कस करिए, समय है, अभी मार्केट में कोई वैकेंसी नहीं है, लॉकडाउन चल ही रहा है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, तो अब मौका मिले वीडियोस को लगातार देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सब चीज़ तैयार कर लेंगे, तो इस लॉकडाउन में क्यों ना हम साइंस को ही पूरी तैयार कर लें, जो कि एक बहुत अच्छा वेटेज बनाती है। तो इम्बाइबिशन का मतलब क्या है कि ऐसे समझिए कि आपने एक बाल्टी में पानी लिया और उस बाल्टी में पानी में एक लकड़ी के टुकड़े को डाल दिया, तो लकड़ी के टुकड़े को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, तो ठोस पदार्थों के आयतन में वृद्धि हो जाना, क्यों हो जाना भाई, क्योंकि पानी अवशोषित हो गया है, इस वजह से वो, इसको बोलते हैं अंतः शोषण, इम्बाइबिशन। तो देखिए ये था हमारे पास पादप कोशिकाओं में परासरणीय संबंध। आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट रूट ने, जो जड़ों ने पानी को अवशोषित किया है वो ऊपर तक पहुंच रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा। देखिए हम लोग अब देखते हैं पेड़ पौधों में जो जल का अवशोषण है उसको हम लोग कैसे देखें। देखिए ये है हमारे पास तना और ये है इस पेड़ की जड़ें, ऐसे समझिए, ठीक है, ये हैं इसके रूट हेयर्स जो कि पानी को अवशोषित करते हैं, पानी को अवशोषित करेंगे, और ये मूल रोम, रूट हेयर्स, ठीक है जी। चलिए और यहाँ पेड़ पौधों की पत्तियाँ लगी हुई हैं, इस तरह से मैं एक पत्ती बना देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और पत्तियों में क्या है, स्टोमेटा। चलिए पेड़ पौधों में परिवहन करने के लिए दो स्पेशल प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक है जाइलम, जाइलम संवहन ऊतक बोलते हैं इनको, और दूसरा है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है कि ये भाई हॉर्मोन्स को, पेड़ पौधों के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं, और भोजन को, और भोजन को पत्तियों से पेड़ पौधे के हर भाग तक पहुंचाने का काम करता है, ऊपर भी पहुंचाएगा नीचे भी पहुंचाएगा, फ्लोएम याद रखना, ये दोनों डायरेक्शन में चलता है, बाई डायरेक्शनल। चलिए और ये काम करने के लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब ATP इसको चाहिए होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं
कि मूल रोम के द्वारा पानी का अवशोषण हो गया और ये पानी पहुंच गया जाइलम में। और जाइलम क्या है भाई, कि ये पत्तियों से जुड़े हुए हैं, पत्तियों तक यहाँ पर ये पानी को पहुँचा रही है, ये पानी जो है ये पत्तियों तक पहुँच रहा है। पत्तियाँ क्या कर रही हैं भाई, पत्तियों के पास पाए जा रहे हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा खुलते हैं, स्टोमेटा खुलेंगे तो यहाँ से पानी भाप बनकर, वाष्प बनकर बाहर वायुमंडल में चला जाएगा। और जब ये पानी ऊपर से यहाँ से अवशोषित हो रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर एक जो है एक सक्शन क्रिएट हो जाता है। ऐसे समझिए कि आपके पास एक सिरिंज है, आप गिलास में पानी लें और उस सिरिंज को जो है पीछे से ऐसे खोल दें, तो आप लोग देखेंगे पानी स्वतः ही उसमें अवशोषित होना शुरू हो जाएगा, पानी जो है उस सिरिंज के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पत्तियां हैं ये पानी को बाहर फेंक रही हैं, तो एक प्रेशर जनरेट हो गया, तो जाइलम जो है ये पानी से नीचे से पानी को अवशोषित करेगा और पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देगा। इस काम करने के लिए किसी भी प्रकार की ATP और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और एक चीज़ देखो, अगर बाहर वातावरण में बहुत हवा चल रही है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी का लॉस हो जाएगा। आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि एक पौधा है यूकेलिप्टस, इस यूकेलिप्टस को इकोलॉजिकल टेररिस्ट कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कि हाईवे किनारे पर यूकेलिप्टस के पौधे, बड़े बड़े पेड़ आपने देखे होंगे सीधे सीधे, वो पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, दिन में लगभग 40 लीटर पानी का वाष्पोत्सर्जन कर सकते हैं। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि जब पानी की इतनी कमी है और वहाँ पे 40 लीटर पानी का अगर ये वाष्पोत्सर्जन कर देंगे, तो ये वहाँ के स्थानीय इकोसिस्टम के लिए कितना नुकसानदायक होंगे। इसीलिए यूकेलिप्टस को इकोलॉजी का टेररिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखें आप लोग कि नीचे से पानी का अवशोषण हो रहा है और बाहर से पानी का उत्सर्जन हो रहा है वाष्प के रूप में। ये पानी हमेशा याद रखना नीचे से ऊपर ही जाएगा, ऊपर से नीचे कभी भी नहीं आएगा। तो फ्लोएम तो बाईडायरेक्शनल होता है, लेकिन जाइलम का जो काम है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब एक चीज़ समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा है, तो जड़ें पानी को अवशोषित करेंगी। अब मैंने अभी बताया था पैसिव डिफ्यूज़न होगा, तो जब जड़ें पानी को अवशोषित करेंगी और बाहर वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, बाहर वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पत्तियों के जो किनारे होते हैं यहीं पर पानी की ड्रॉपलेट यहाँ पे ऐसे ऐसे गिरना शुरू हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन, GUTTAION, इसको बोलते हैं बिंदु श्रावण, बिंदु श्रावण, इसको बोलते हैं गटेशन बिंदु श्रावण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब नीचे पानी का अवशोषण ज़्यादा हो रहा है और उत्सर्जन कम हो रहा है, उस कंडीशन में होती है गटेशन। अब उल्टा कर दो कि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है और पानी का अवशोषण कम हो रहा है। अब समझिए, पानी का अवशोषण कम, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा, तो पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं विल्टिंग, WILTING, विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, तो पौधा क्या होगा, वो मुरझा जाएगा। लेकिन जैसी रात होगी तो पौधे की पत्तियां दोबारा से फूल जाएंगी, तो इसको तो बोलते हैं टेम्पररी विल्टिंग। लेकिन अगर पौधा दिन में भी मुरझाया हुआ है, रात में भी मुरझाया हुआ है, तो समझ लीजिए उसकी परमानेंट विल्टिंग हो गई है, वो पौधा स्थायी रूप से मुरझा गया है, ठीक है। तो जो पानी के अवशोषण से संबंधित प्रक्रिया थी वो मैंने सारी आप लोगों के सामने यहाँ डिस्कस की है। इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए। और आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग इनको लाइक और शेयर कर सकते हैं, और कोई आपका सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।